यूके सरकार ने एवियन फ्लू को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि देश में एवियन फ्लू के अब तक के सबसे बड़े प्रकोप से निपटने के उपायों के तहत इंग्लैंड में सभी पोल्ट्री और पक्षियों को कानूनी तौर पर 7 नवंबर से घर के अंदर रखने की आवश्यकता होगी। सरकार ने कहा कि पक्षी पालकों को कपड़ों, जूतों, उपकरणों और वाहनों को कीटाणु रहित करने और मृत्यु दर रिकॉर्ड रखने सहित कड़े बायोसिक्योरिटी उपायों का पालन करना होगा। जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी के बाद यह आदेश सफोक, नॉरफॉक और एसेक्स के कुछ हिस्सों के हॉटस्पॉट क्षेत्र में पहले से लागू है। यूके की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी क्रिस्टीन मिडिलमिस ने कहा कि हम इस साल बर्ड फ्लू के सबसे बड़े प्रकोप का सामना कर रहे हैं। पूरे इंग्लैंड में एवियन फ्लू के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पक्षियों की बीमारी के संपर्क में आने पर जोखिम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां अब पक्षियों को अगली सूचना तक अंदर रखा जाना आवश्यक है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अब पूरे इंग्लैंड में सभी पक्षी पालक को उचित कदम उठाने और अपने निजी पशु चिकित्सक से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।